मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, मिसाल है, नहीं हुआ उसका टेस्ट पास, अब क्यों नहीं हुआ? अगर तो रोने लग जाएगा तो रोने से तो टेस्ट पास नहीं होगा, सोचे क्यों नहीं हुआ, मेरे वेट में कमी थी, क्या मसला क्या था, या इंस्ट्रक्टर से कोई कमी कुताही, क्या हुआ है? ये पहली बार। दूसरी बार रिकवर करें, फिर दें, रिकवरी मारे ना, सिर्फ हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठे रहना। तीसरी बार, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट, जब मैदान जंग से भाग जाते हैं, खड़े नहीं रहते बेवकूफ़ों की तरह, भाग जाते हैं, जब मार्के में देखें नुकसान हो रहा है भाग जाते हैं, ये भी अकलमंदी है, यकीन करें, इसमें कोई वो नहीं है कि बंदा डरपोक हो गया। जब ने सूरह नूह नहीं पढ़ी, हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा, हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तग़फ़ार कहा, तो इसलिए इस्तग़फ़ार, अल्लाह के साथ मामला, लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया लोगों ने, जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन हैं। एक शख्स इमाम गजाली के पास आया, उसने कहा जी मुझे ये मसला है, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। बड़ा हैरान हुआ, कहता है मैं आपको मसला बता रहा हूँ, आप कह रहे इस्तग़फ़ार, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और मसला लेकर आया, कहते इस्तग़फ़ार कर। एक और शख्स ने कोई मसला प्रेजेंट किया महफिल में, कहते इस्तग़फ़ार कर। तो बाद में एक उनके दोस्त से पूछा कि हर बंदे को इस्तग़फ़ार, उसका मसला और है, उसका मसला और है, उसका मसला और है। तो कहते तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी, हज़रत नूह क्या कहते हैं अपनी कौम को कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह औलाद देगा, अल्लाह जो है वो माल देगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला खेत देगा, बागात देगा, बारिश बरसाएगा, हर मसले का हल तो इस्तग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तग़फ़ार कहा, तो इसलिए इस्तग़फ़ार, अल्लाह के साथ मामला, लोग दुख देंगे आपको, हमारे नबी से ज़्यादा दुख किसको दिया लोगों ने, जब नबी को लोग दुख दे सकते हैं तो हम कौन हैं। जब बेहतरीन इंसान को, सच्चे तरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है, तो हमारी क्या औकात है, हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देंगे, कुलीग से भी हो सकता है दुख हो, बहुत से लोग दुख देंगे, लेकिन दुख जो है ये नबियों की मीरास है, याद रखें। अगर दुख और गम बुरी बात होती तो नबियों को कभी ना होता, ये बात याद रखें। हर नबी गम से गुजरा, हर नबी गम से गुजरा, हर नबी मुश्किल से गुजरा, इससे घबराना नहीं आपने, ये अल्लाह दर्जात बुलंद करता है आपके, हमसे बड़े गुनाह होते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो उनका कफ़ारा यहीं पे दिलवा देता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुश्किलात आती हैं, टेस्ट और ट्रायल्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन क़यामत वाले दिन वो शख्स क्लीन स्लेट की तरह आता है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग बिल्कुल क्लीन आएंगे, उनका अमाल नामा साफ सुथरा होगा, तो कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में बड़ी मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी, लेकिन सब्र किया इन्होंने अल्लाह के फजल से, और आज उस नतीजे में क़यामत वाले दिन कुछ नहीं है इनके अमाल में, यानी बुराई कुछ नहीं है, सिर्फ इनके अमाल में अच्छाई है। तो ये मुश्किलात का वबशर साबरीन, बेशक अल्लाह सुभान व तआला सब्र करने वालों को बशारत देता है और कहता है कि सलूट तुम्हें लगेगा फरिश्तों से और अल्लाह ताला तुम्हें सलाम पेश करता है। और कुरान में सब्र का जो लफ्ज़ है ये 100 बार तकरीबन आया, सब्र का लफ्ज़ जो है कुरान में 100 बार आया, और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी सब्र है कि ये सब्र करते थे, गम पे सब्र, बुरे रवैयों पे सब्र, सब्र का मतलब है बर्दाश्त कर जाते थे, लड़ाई नहीं की, बिला वजह फड्डे नहीं किए, सब्र कर गए, पी गए, गुस्से को पी जाने वाले, ये बहुत पसंद है अल्लाह सुब्हान व तआला को, बहुत पसंद है। और आखिरी जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये हदीस, जब आपको कोई मसला आए ना, इसको इंशाल्लाह अपने सामने रखें। अमर बिन अल आस एक बहुत ही जय्यद सहाबी गुजरे हैं, मिस्र के गवर्नर हैं, हज़रत उमर के दौर में मिस्र के गवर्नर थे। तो अमर बिन अल आस से एक सहाबी कहता है, जब वो गवर्नर हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जाहिर है इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अमर बिन अल आस जब गवर्नर बने हज़रत उमर के दौर में, तो अमर बिन अल आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि रूमी क़यामत के नज़दीक गलबा पा जाएंगे, और आज ऐसे ही, रूमी से मुराद ये क्रिश्चियन है, तो आज आप देखें यूरोपियंस काफ़ी गलबा पा गए। तो अमर बिन अल आस मुस्कराए, उन्होंने कहा कि मुझे समझ है क्यों पा जाएंगे। तो बड़ा हैरान हुए, कहते क्यों? कहते मैंने इन पर हुकूमत की है, मैं आपको इनकी 5 बातें बताता हूँ।
मैं आपको इनकी 5 खसूसियात बताता हूँ जिसकी वजह से गलबा पा जाएंगे। ये उनका व्यू है अमर बिन अलास का कि दैट्स वाई ये लोग गलबा पा जाएंगे क़यामत अल दिन। उन्होंने कहा क्या इनमें 5 खसूसियात हैं, आपने हुकूमत की है इन पर। पहली खसूसियत, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। क्या मतलब है, सही मुस्लिम की रवायत है कि जब इन पे कोई मुश्किल आती है ना एकदम घबराते हैं, लेकिन महासवा कर लेते हैं मुश्किल आई क्यों, कोसते नहीं रहते किस्मत को, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी किस्मत बर्बाद होगी, नहीं। मुश्किल आई घबराए, उसके बाद बैठे सोचा आई क्यों थी, हमारी वजह से आई थी, मेरे कहीं मेरा रवैया तो गलत नहीं है, कहीं मेरे से कोई खता तो नहीं हुई, कहीं सबसे पहले किसके बारे में सोचना है, अपने बारे में कि यार मेरी क्या गलती थी, मेरी ये सबसे पहले उंगली इधर होनी चाहिए, उसके बाद उंगली वहाँ होनी चाहिए। अच्छा हालात में तो नहीं कोई मसला, मेरी स्ट्रेटेजी तो कोई गलत नहीं थी, कहीं किसी को मैंने गलत दोस्त तो नहीं बना लिया, कहीं मैंने ज़िंदगी में कोई गलत राजदान तो नहीं बना लिया, वगैरह वगैरह। सबसे पहले उंगली अपनी तरफ, उसके बाद सोचना है बाएं। तो सबसे पहली क्वालिटी के जब मुश्किल मुसीबत आती तो सोचते हैं कि यार ये आई क्यों। देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिज़ास्टर, और जब ठोकर पड़ती है तो रिकवरी जल्दी है, रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी है। यानी अब नज़र आ रहा है कि वेपन्स की ज़्यादा ज़रूरत है ये वो, तो सलाहुद्दीन अयूबी ने भी यही किया था, पता है। अब सलाहुद्दीन अयूबी लड़ने चले गए तो क्रिश्चियन किंग आया, उसने कहा जी कि अभी पलट जाओ नहीं तो सब मारे जाएंगे। तो सलाहुद्दीन अयूबी ने सोचा, इर्द गिर्द जायज़ा लिया, कहते ठीक है। वो मुसलमान सोल्जर हैरान कि हमारा बादशाह कैसे पलट गया, इतना तकवियत वाला बादशाह। तो एक शख्स लड़ने आ गया, कहता कि ये क्या आपने पलटा लिया सबको, हम जेरूसलम फतह करने गए थे। तो खुदा ऐसे लोगों को जो है वो विक्ट्री नहीं देता, उसने बड़ी सख्त बात कर दी। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि ना वहाँ पानी था, ना वहाँ पे कोई साजगार मैदान था लड़ने के लिए, मैंने जायज़ा ले के मैं पलटाऊँ। ऐसी बात नहीं है कि हम डरपोक हैं या डर के पलटें, जायज़ा लिया अभी मैंने, अभी नहीं है हमला करना, साजगार नहीं है। तो मुसलमान अक्लमंद भी होता है। तो यही बात अमर विलास ने की कि ये भाग जाते हैं लेकिन दोबारा अटैक करते हैं, ये नहीं कि बस भाग गए, लड़ने दोबारा आएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। ये उन्होंने उसकी उस टाइम के जो रूमी थे उनकी एक खसूसियत बयान की। आखिरी दो, देयर वेलफेयर वर्ड, कहा कि ये लोग खैर के बड़े काम करते हैं, वेलफेयर बहुत, चैरिटी बहुत देते हैं, चैरिटी सदका खैरात के बड़े काम करते हैं, ये इनकी क्वालिटी बयान। देखें जिस कौम में जो क्वालिटी है बयान करनी चाहिए, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, इस्लाम नहीं पहुंचा उन तक अलग बात है, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं। तो देयर वेलफेयर वर्क, लास्ट देयर एबिलिटी टू रिजिस्ट इनजस्टिस, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ना इंसाफी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते हैं। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, रोडों पे निकल आते हैं,